Experience the excitement live. Catch every thrilling moment of PSL 9 live on A-Sports. वो भाई पहले बाप की जिम्मेदारियों में तो शामिल हो जा, फिर मेरे फ्राइज बताना मुझे जो मैंने अपनी हैसियत से बढ़ के किए हैं। अम्बा, वैसे फिलहाल तो ना आपको रिलैक्स करने की जरूरत है क्योंकि माशाल्लाह से ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ है आपका। जोड़ा कहाँ है मास्टर साहब? मैडम ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी तो ये है कि आपने 4 बजे की डिलीवरी का वादा किया था। I'm really very sorry. क्या आप ठीक हैं? अबे क्या सॉरी, इतना नुकसान करा दिया अन्नों की तरह। जी अस्सलाम वालेकुम, सिटी हॉस्पिटल। जी मैंने आज एक एक्सीडेंट के लिए आपके पास एक पेशेंट आया होगा, उसकी अपडेट लेनी थी मैंने। वो है उमर में मर गया। 60 नहीं बहन, 60 साल का नहीं था, एक जवान लड़का था, उसका एक्सीडेंट हुआ था, आपके पास आया। फरहाद नाम है उसका, मिस्टर फरहाद होंगे आपके पास लिस्ट में, देखो। हाय, शुक्र शुक्र जी, मिला दे रूम पे मिला दे जी। मेरा नाम फ्रिया है, फरीहा नहीं है, इट्स प्रिया जी, हे नहीं है, मिला दे। हेलो वी, यू टू, क्या बकवास है, थप्पड़ लगाऊं क्या है? वो अंदर बुला रहे हैं सब। ठीक है चलो चलो। फरहाद याकूब 202 में 202 मामू। अबे जो जो देख, कहीं मेरी टांग काट पाट तो नहीं थी? अबे कैसी बातें कर रहा है, टांग पे लगी है हल्की सी, ड्रामे क्यों कर रहा है? बहुत दर्द हो रहा है भाई। अब वो हिम्मत ले आना, वो फाइन फाइन वाली या माइन माइन। अबे मुंह को बुलाने की क्या जरूरत है? अम्मा कुछ नहीं हुआ। सही है, सही 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 सही। अरे शुक्र करो टांग बच गई है। अरे मैं ठीक हूँ। अम्मा रोना तो बंद कर दो। अरे किरण तुम चुप कराओ ना। सही है बिल्कुल, तू क्या सामने लेटा हुआ है ना, आके है ना, देखे आंखें खुली वो बातें कर रहा है मेरे को, ठीक है? अल्लाह का शुक्र है कल का फंक्शन तो बहुत अच्छे से हो गया। लड़के वालों का फोन आया था, कल के इंतजाम की बहुत तारीफ कर रहे थे। ये सब तो हमारे यूसुफ भाई का कमाल है, जारा की भी शादी ऐसे करवा रहे हैं जैसे खुद इनकी अपनी बेटी हो। क्यों, वो मेरी बेटी नहीं है? अरे भाई साहब आप ही की तो है, और वैसे भी इस घर में बच्चों में फर्क कहाँ, फरिया और साकिब उतने ही हमारे हैं जितने जारा और बिल्लू आपके। ये भी तो बताओ भाभी, जेवर के बारे में क्या कहा? मैंने देखा था जारा की सास की आंखें फटी की फटी रह गई थी। ख्याल करिएगा इन सब चीजों की आदत ही ना पड़ जाए। उन लोगों को भाई शादी में तो लेन देन होता ही है, और हमारे यहाँ तो देखा जाता है कि बेटी को कितना जेवर चढ़ाया है। हम भी बैठ के गिनी रहे दुकान पे,
कि कोई कमी बेसी ना रह जाए। पापा वो पार्टी की बार बार कॉल आ रही है, वो दुकान के साथ हमारा सेटअप भी खरीदना चाह रहे हैं। इतनी अच्छी ऑफर दोबारा नहीं आएगी। बेटा मैं आपको पहले बोल चुका हूँ कि मैं बाप दादा का बिजनेस बेचूंगा नहीं। पापा एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करें और फिर आराम करें, नस्लें घर बैठ के खाएंगी आपकी। सारी मेहनत मैं कर जाऊं और आगे नस्लें जो है वो हड आराम निकलें। नहीं भाई नहीं, जब तक मेरे हाथ पांव सलामत है ना बेटा, तो मैं तो बेकार घर में नहीं बैठ सकता। पापा एक बार उनसे मिल तो लें, उनकी बात तो सुन लें जाके। आप मेरी बात सुने ना, जो मैं कह रहा हूँ उसको समझे आप। अभी मेरे जीते जी तो ऐसा नहीं होगा, मेरे मरने के बाद जो चाहे आप कर लेना, ठीक है? अरे भाई साहब, मरे आपके दुश्मन और साकिब बेटा, ये किस किस्म की बातें लेके बैठ गए हो खुशी के मौके पे तुम? आखिर को आपके बाद सब कुछ आपके बेटे का ही तो है, उसकी भी सुन लिया करे कभी। भाभी आप तो बस अब फरिया की शादी की तैयारी करें, जारा के बाद उसी की बारी है ना? बिल्कुल, मैं तो कब से कह रही हूँ, लेकिन हमारी शहजादी को कोई समझ में ही नहीं आता, पसंद ही नहीं आता, तो क्या करें। इस शादी में बड़े बड़े लोग आएंगे, मैं भी नजर रखूंगी, और ऐसे भी क्या नखरे भाई, कोई ना कोई तो पसंद आ ही जाएगा इसे। अरे कोई नखरा नहीं है, अपनी फरिया जो है ना उसके जोड़ का कोई मिलेगा तो कर देंगे शादी। लो सुन लो उनकी भी, भाई आपकी इसी शय की वजह से तो वो ये सब कुछ करती है। देखा आपने साकिब किस तरीके से बात करता है हमसे, जैसे हम कोई बेकार ही हूं। तुम देखते नहीं हो कि भाई साहब उसको किस तरह सीधा कर देते हैं? बड़ा सीधा कर दिया। सुना नहीं आपने भाई साहब ने क्या कहा है कि मैं चला जाऊं तो जो मर्जी चाहे करो, क्या मतलब है इस बात का? और आपको क्या लगता है साकिब हम पर उस तरह मेहरबान होगा जिस तरह भाई साहब है? उसका तो बस नहीं चलता कि कब हमें अलग कर दे। आपने अपना हिस्सा बेच के ना बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हें भी तो भूत सवार था ना अलग होने का, इमिग्रेशन चाहिए बाहर की। कुछ भी तो ना हुआ, सब डुबा दिया। मुझे क्या पता था कि वो बिल्डर फ्रॉडिया निकलेगा, सारी इन्वेस्टमेंट मैंने उस प्रोजेक्ट पे कर दी थी। इरादा तो यही था कि तमाम नस्लें बैठ के खाएंगी। गलती तो इंसान से हो जाती है, और आप छोटे भाई हैं उनके, आपका तो हक बनता है। किस मुंह से और मांगू मैं उनसे? ये इसी मुंह से मांगेंगे ना, थोड़ा बहुत तो हाथ पांव चला के आप खर्चा निकाल लेते हैं। लेकिन आप आगे का सोचे, बिल्लू का मुस्तकबिल है। अब जारा की शादी तो ऐसे तैसे कर दी, लेकिन अब और कितना करेंगे, कब तक करेंगे? भाई साहब की नीयत पे मुझे बिल्कुल शक नहीं है, वो तो हीरा है, लेकिन वो उनकी बेगम और उनका बेटा, बस नहीं चलता कि हमें दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दे। तुम फिकर ना करो, ऐसा तो मैं कभी होने ही नहीं दूंगा। फरवरी को इंकलाब आया, लोगों ने फैसला कर लिया, वो अपने नुमाइंदे खुद चुनेंगे। हमारे उम्मीदवारों के पास 180 नशिस्तों के फॉर्म 45 मौजूद हैं। हमारे वोट चोरी हुए, मैंडेट वापस दिया जाए। अल्लाह का शुक्र है फरहाद को ज्यादा चोट नहीं लगी। 12 तो फिर भी मिलाएगा वो पकवान पिलाने का। चंद दिनों की बात है, डॉक्टर ने कहा आराम करे, उसके बाद पकवान ही जाना है। कभी कभार आप बहुत सख्ती करते हैं। मुझे तो डर है ये लड़का बहुत तेजी से आगे दौड़ रहा है, और इस तेजी में जो अपनी तहजीब को भूल जाते हैं ना, वो अपनी जड़ों को काटने लगते हैं और उनकी उड़ान भी कट के रह जाती है। याकूब इस वक्त सारे बच्चे ऐसे ही, और वक्त के साथ चलने में कोई बुराई तो नहीं है। ये जो पकवान है ना, ये कारोबार नहीं है, ये वजूद है। मेरा वजूद, मेरे बाप दादा परदादा की खुशबू समाई हुई है इसमें। आ क्या बात थी हमारी दादी के हाथ की, आज भी उसी तरीके की बिरयानी बनती है हमारे यहाँ। और ये आपके साहबजादे उसी खासियत को, उसी अपनाइयत को खत्म करना चाह रहे हैं, पलटना चाह रहे हैं, क्योंकि ये काम उनके मेयार पे पूरा उतरता नहीं है। से याकूब, में किरण के बारे में बात करना चाह रही थी। उसके ससुराल वाले शादी की तारीख ही नहीं दे रहे, 2 साल हो गए मंगनी को। क्या करें, हर बार जैसी एक नई डिमांड जो लेके आ जाते हैं वो। हम लड़की वाले बर्दाश्त तो करना पड़ेगा, कल का कह रहे हैं कि आना है। मैं कहती हूँ आप
अड़ जाए, कोई बहाना ना सुने। सारी दुनिया में बुरा कर दे मुझे, आप ही अड़ जाए ताकि लोग कहें ये अड़ू है, इससे मत उलझो। चल अपने काम से काम रखो, चल अड़ जाए। फराद, फराद ये लो। थैंक यू। कैसा फील कर रहे हो? बेहतर। चलो ग्रेट। अच्छा मम्मी बताई थी कल शाहजैन की फैमिली आ रही है, कुछ बात करनी है। क्यों? बताया नहीं है। हाँ भाई क्यों बताएंगे, कल आके ऐन वक्त पे कोई नई डिमांड रख देंगे। मुझे लगता है शायद उनका ना टीवी खराब हो गया। तुम मना क्यों नहीं करती थी शादी से किरण? फरहाद मतलब क्या, मैं कैसे मना कर दूं? क्यों मना कर दूं यार? तुम्हारी जिंदगी का सवाल है, जो लोग आज ऐसे हैं वो कल कैसे होंगे, कभी सोचा है? शाहजैन खुद ऐसा नहीं है, ठीक है? बस मतलब आई गेस यार अपने पेरेंट्स की वजह से ना वो कह नहीं पाता है कुछ, दैट्स इट। किरण जो लड़का आज तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं ले सकता वो कल लेगा, बताओ। फरहाद ये रिश्ता ना अब्बा ने करवाया था, हर एक एक चीज उनके सामने, खत्म होगा अगर ये रिश्ता तो वो भी उन्हीं के फैसले से होगा बस। और हम सबको उनकी मर्जी के सामने सर झुका कर रखना है। ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा, ये मैं भी जानता हूँ, ये तुम भी जानती हो। अरे तुम एक बार शादी से मना कर दो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। जबरदस्त, बेहतरीन, मतलब इस घर में ना बहुत कमी चल रही है आजकल, टेंशन की बहुत फुकदान चल रहा है, मेरी वजह से बढ़ जाए टेंशन, मसला ही कोई नहीं। अरे यार किरण स्टॉप इट, कुर्बानी का जानवर बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। रिलैक्स करोगे अभी, ठीक है? पहले आने दो ना उन लोगों को, देखते हैं ना बेसिकली बोलते क्या है वो, फिर होती है बात यार। रिलैक्स कर जाओ। मैं बता रहा हूँ कल अगर कोई उल्टी सीधी बात हुई ना, इस बार मैंने चुप नहीं रहना। फरहाद कल की कल देखेंगे, अभी आराम करो, दूध पियो। अच्छा वो आप लोग आ गए, हम भी कोशिश कर रहे थे बात करने की आप लोगों से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और आपके यहाँ के समोसे खाए भी बहुत दिन हो गए। क्या बात है, मेरे ख्याल में वक्त बहुत गुजर गया, अब शादी की तारीख पक्की हो जानी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, और हमने मना कब किया है? और वैसे भी किरण जो है वो हमारी बेटी की तरह तो है। तो फिर कब की रखे, तीसरे महीने की कोई तारीख रख लेते। देखिए याकूब भाई, आप तो देख रहे हैं कि महंगाई कहाँ पहुंच गई है, आसमान से बातें कर रही है। शाहजैन की एक बाइक थी वो भी बेचनी पड़ी, अब शादी के बाद क्या किरण को जो बसों में रिक्शों में घुमाएगा? मिलकी जिंदगी बनती है, और औरत के आने के बाद तो नसीब बदल जाते हैं इंसान के। आपकी बात बिल्कुल बजा है, मगर प्रैक्टिकल होना भी तो जरूरी है। और हम सोच रहे थे कि छोटी मोटी कोई गाड़ी का इंतजाम हो जाए तो अच्छा रहेगा, इससे यह होगा कि शाहजैन की भी वैल्यू बढ़ेगी, ऑफिस में भी इज्जत होगी, और सबसे बड़ी बात है कि मैनेजर की नजर में आएगा, और अहम चीज यह है शाहजैन की तरक्की हमारी किरण बेटी की तरक्की है। हम कौन सा अपने लिए मांग रहे हैं, ये तो बच्चों के लिए है ही। नहीं क्या मैंने कहा? नहीं बस बहुत हो गया, तारीख की बात कब से टाली जा रहे हैं, और आज तो हद ही हो गई है। गाड़ी राज, आपको ये सब ठीक लग रहा है? ये किस तरीके से बात कर रही है? अबे वो इस तरह बहुत पहले बात करनी चाहिए थी,
देखो तो, बड़ों की इज्जत तक करना नहीं सिखाई इन्होंने। अरे जब बड़े खुद अपनी इज्जत गंवाने पर तुले हैं तो दूसरों से तवक्को भी नहीं रखनी चाहिए। खामोश हो जाओ, ये बड़ों के बीच की बातें। ऐसा क्या अनोखा कह दिया है? आप लड़की वाले हैं और हमारी कोई इज्जत का तो ख्याल करें। लड़की वाले हैं तो ये दे रहे हैं ना लड़की। अबे जीती जागती इंसान है, तराजू पे तोलने वाली चीज नहीं है। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं यार कुछ साहब, आप पछताएंगे आप लोग। हाँ हाँ भाई, बैठ के आराम से बैठ करने का बचा कहाँ है। चलो बराज अरे क्या फर्क पड़ गया उनके होने से, अब किसी को तो बोलना पड़ेगा ना। और ऐसे कौन से 30 मार खाने जो उनके नीचे बिछे चले जाते हैं। सोचना पड़ता है, लड़की वालों को हमेशा बर्दाश्त करना होता है। तो चलें, चलते हैं अभी शोरूम और चल के दामाद जी को 0 मीटर गाड़ी दिलवा देते हैं। फिर क्या होगा, आपको लगता है पेट भर जाएगा उनका, अगली डिमांड नहीं आएगी। और तुम बस कर दो अपना तमाशा लगवाना प्लीज। हाँ भाई हाँ, ये थोड़ी तमाशा लगा रही है। तमाशा तो तुम्हें लगाना आता है डुगडुगी बजा के। न समझता क्या है तू अपने आप को, बहुत बड़ा हो गया। बाप के होते थे हिम्मत कैसे भी बात करने की तेरी। अरे बात करता कौन है यहाँ, सिर्फ फैसले सुनाए जाते हैं। बात करने की तमीज है बहन के सुसार वालों से इस तरह बात करते। वो लोग इसी काबिल थे ना, तुझे क्या लगता मुझे गुस्सा नहीं आया होगा। तो उसका क्या मतलब हुआ, जो मुंह में आया बोल दू। रिश्तों की नजाकत को समझना पड़ता है। बहन के बारे में सोचा? अरे इसी के लिए सोचा था इसलिए बोला। हाँ अब वो लोग आएंगे बोलेंगे करेंगे उसकी फिक्र है? हाँ नहीं है फिक्र, ऐसे फजूल लोगों की बातों के डर से मैं अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद होने नहीं दे सकता। ओह बहन का हमदर्द, माशाल्लाह तू ही तो हमदर्द है, हम तो दुश्मन ही इसके। कुछ समझाओ उसे, बात करने का ढंग सिखाओ, अकल दो। जब अकल बढ़ रही थी छन्नी लेके भेजा था क्या? और आइंदा बड़ों के बीच में घुसने की कोशिश मत करना, समझ गया? सर आज सुन लिया ना अबू ने क्या कहा। बस तो जवाब बनता नहीं है तो मटक के निकल लो। तो भी चौथा को ना पकड़ ले ताकि काम तो जल्दी खत्म हो। नहीं मुझसे नहीं होता ये सब, उल्टा आप डांटोगी कि सफाई से काम नहीं किया। वैसे भी जारा की शादी की चीजों में मैंने नहीं कोई रिस्क लेना। देख ली ना काम ना करने के बहाने। भाभी मैं तो कहती हूँ जारा की शादी में अच्छा सा रिश्ता देखें और लॉक करें इसको भी, सारे नखरे खत्म हो जाएंगे। नहीं मामा, ये तो नखरे उठवाने वालों में से है। ये ना सब शादी से पहले की बातें, शादी के बाद हकीकत ही कुछ और होती है। मैंने कहा ना मैंने कोई शादी वादी नहीं करनी है, जब अपने टाइप का लड़का मिलेगा फिर सोचूंगी। तो क्या है तुम्हारी टाइप? शायद देखो लड़का इंटेलिजेंट होना चाहिए, सपोर्टिव हो, रिस्पेक्ट दे, बस एक अच्छा लाइफ पार्टनर हो। हो गई इसकी शादी। लड़की जमीन पर आ जाओ, लड़का अच्छा हो, पढ़ा लिखा हो और अच्छे बैकग्राउंड से हो, और बिरादरी अपनी हो। वाह क्या बात है, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, हम अभी तक वही जात पात और बिरादरी के मसलों में फंसे हुए। नहीं मुझे बताएं, चांद पे जो बंदा गया था उससे कभी किसी ने पूछा कि भाई तुम किस बिरादरी से आए हो, बताओ। दुनिया बेशक चांद पे पहुंच गई हो, हम मेमन बिजनेस में वहां भी सबसे आगे होंगे, पर रिश्ता तो हम अपनी बिरादरी में ही जोड़ेंगे। जमीन पे बैठे चांद पे तफरीक कर रहे, कोई हाल नहीं है इस कौम का। अरे भाभी आप भी किसकी बातों में उलझ रही हैं? जारा की शादी में हमारी बिरादरी की एक से एक फैमिली आई होगी, बस देख के अच्छा सा कोई रिश्ता पक्का करें, इसे भी कोई ना कोई समझ आ ही जाएगा, अल्लाह करे ऐसा हो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। रिया आप वो पहले शख्स है जिसने मेरा नाम बिल्कुल ठीक लिया है। आपका नाम
मैं कैसे गलत ले सकता हूँ? ये तो होना ही था, लड़ झगड़ के बिरादरी से बाहर शादी की थी तो जाहिर है। तीन दो एक, यह चीज मेरा भाई अब ओ बस कर दे भाई, हेलो ओ बस कर दे। ओहो हो हेलो एक्सक्यूज मी मिस्टर, भाई डॉक्टर ने वैसे ही आराम करने को बोला है, तू लगा हुआ है। सबसे ज्यादा गुस्सा ना मुझे किरण पे आ रहा है। अब वो क्या करे बेचारी? क्यों, जब मैं कह रहा हूँ लात मारे इस रिश्ते को। अरे मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा सब। तू लाइक करती होगी ना शाजीन को? क्या जोजो, ऐसे स्माइललेस इंसान को कोई कैसे लाइक कर सकता है, मेरी समझ से बाहर है। आई लव है, सोच समझ के थोड़ी होता है, हो जाता है। अरे हाँ लेकिन प्रैक्टिकल होना भी कोई चीज होती है ना, न्यूज भरी पड़ी है ऐसे केसेस से, चाहे इसके नाम पे तशद्दुद। तू मुझे बता, जो लोग आज ऐसे हैं वो कल को कैसे होंगे? यार तो अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी ना शाजीन से, तू उसका पॉइंट ऑफ व्यू तो सुन ले। अबे नहीं सुनना भाई, चीप स्टूपिड लड़की वाली हरकतें कर रही है। वैसे तुझे वो बोलना नहीं चाहिए था ऐसे सबके सामने। अच्छा इजी हो जा, रिलैक्स, चिल कर, ठंडा हो। एक काम करते हैं, घर जा, सबके साथ मिल के बैठ के आराम से बात कर। नहीं यार जोजो, तम घुटता मेरा उस घर में, मैं चीखूं चिल्लाऊं पत्थर मारूं कोई सुनने वाला ही नहीं है, हर चीज आके वापस खुद को ही लगती है। क्या करें यार, जैसी भी है जो भी है, फैमिली है अपनी है, बर्दाश्त करना पड़ता है। चार एक, पांच छह। ओए बिल्लू क्या कर रहा है? नजर नहीं आ रहा। नजर तो आ रहा है लेकिन क्या किसी ने सजा दी है उठक बैठक की? जिम जा रहा हूँ आज से, तो बस प्री वर्कआउट कर रहा था, वार्म अप हो रहा हूँ ना। जिम, वाओ बेस्ट ऑफ लक। जोश कैसे चढ़ा? शादी के लिए जो कपड़े बनवाए थे ना वो सब टाइट हो गए, और यूसुफ साहब नए कपड़े बनवाने के लिए पैसे थोड़ी देंगे। हेलो, मैं जो कर रहा हूँ ना अपनी सेहत के लिए कर रहा हूँ, जब भी कोई अच्छा काम करने जाए काली बिल्ली रास्ता काट देती है, ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोल रहा है। अरे छोड़ो ना, सारा वर्कआउट खराब कर दिया, अब पतला कैसे होऊंगा मैं? कर लो, ऐसे नहीं छोड़ के जा। क्या मसला है आपको, क्यों ऐसी बातें करते हैं उसके साथ? शक्ल अच्छी ना हो, बातें तो अच्छी किया करें बेचारा। बिल्लू चलो ये खा लो, ये खा लो। सदैन यार मेरी बात तो सुनो। तुम मेरी बात समझो किरण, फरहाद को क्या जरूरत थी ये सब कुछ कहने की? मैं कौन सा कार लेने वाला था यार, और मैंने तुमसे कहा था अम्मी अब्बू जो भी कहें सुन लेना, मैं संभाल लूंगा। सही कह रहे हो, तो मैं कब मना कर रही हूँ? लेकिन ये देखो ना, हमारी तरफ कोई एक्सपेक्ट कर रहा था इस तरह की बातें, और अम्मी अब्बू ऑलरेडी कितना परेशान है शादी की डेट को लेके। तो यार मैं परेशान नहीं हूँ क्या? खैर फरहाद ने ना ये सब कुछ करके परेशानी में मजीद इजाफा कर दिया, और अम्मी अब्बू बहुत गुस्से में है। मैं कब इनकार कर रही हूँ, लेकिन हमारी तरफ से भी तो सोचो तुम। किरण तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? ऐसा कब बोल दिया यार, बड़े आपस में बात कर लेते, मैं अम्मी अब्बू से बात कर लेता, सब कुछ खत्म हो जाता। अम्मी अब्बू को ऐसे आइडियाज आते रहते हैं, बाद में वो खुद भूल जाते हैं, लेकिन फरहाद ने ये सब कुछ करके मुश्किल खड़ी कर दी है। अब पता नहीं अम्मी अब्बू ये सब कुछ भुला पाएंगे या नहीं। ये पकड़ भाई। लेना यार। तू तो लंच लेने गया था, ये क्या है? यही लंच है हमारा, ट्राई कर। ये क्या है, उबले हुए मोजों का टेस्ट आ रहा है, पकड़। तूने उबले हुए मोजे खाए कभी?
तुझे टेस्ट कैसे पता है? अबे इमेजिन तो कर ही सकता हूँ ना, ये पी के जेन सीधा वहीं जाते। जी बे यार, मतलब कुछ भी यार। ये तो बड़ी तकलीफ में। अबे ये तो भाई है। कौन? उस लड़की का भाई। ओ हाँ, वही 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 है। Hey bro, क्या हाल चाल है? सब सेट? कैसा लगा जिम? अच्छा है। अच्छा बता, तेरा गोल क्या है? बॉडी कैसी बनानी है? मुझे बता, पर्सनल ट्रेनिंग दे दूंगा। नहीं मैं यूट्यूब से क्या होगा खुद कर लूंगा। यूट्यूब की क्या जरूरत है? ये है ना आपका बेगा पर्सनल अटेंशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री में? हाँ हाँ, आखिर दोस्त हैं हमारे। अब आपसे इतनी मुलाकातों हमारी हो ही गई है, और आपकी वो बहन से? कजन यार, कजन। कजन से? हाँ नाइस। आपका नाम क्या है? बिलाल। बिलाल, बिलाल, हाउ नाइस टू मीट यू। वेरी नाइस टू मीट यू यार। और इनका नाम क्या है? किनका? इनका? उनका किनका? अरे भाई नाम पूछ रहे हैं। मेरा नाम जोजो। जोजो नाम है? अरे इसका नाम तो मुझे पता है, ये तो मेरा कजन है। तो फिर क्यों पूछ रहे हो? अच्छा हम दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं। हाँ। आप, मेरा नाम फरहाद। ठीक है। इसका नाम जोजो है। आपका नाम बिलाल है। और आपकी वो कजन का नाम क्या है? प्रिया। 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 वैसे उनको भी कभी जिम करना हो ना तो यहाँ ले आना। वैसे भी ये मिक्स्ड जिम है, समझ रहे हो ना, आजकल यही चल रहा है यार। हाँ हाँ, उनका भी फ्री ऑफ कॉस्ट। दोनों फ्री? अरे बिल्कुल क्यों नहीं यार, अब अपना ही जिम समझे। अरे वाह यार, मैं तो फिर रोज आऊंगा। मेरी बहन की शादी है कुछ दिन में, मेरे यू पतला होना है। लेकिन यार प्रिया बाजी तो बहुत बिजी रहती है, वो तो नहीं आ सकती, और वैसे भी जिम नहीं करती। अरे देख यार, तेरे घर में है शादी, और देखो हम अब मिल रहे हैं, हमें पहले मिलना चाहिए था। पता क्यों? इस पूरे शहर में जिसकी भी शादी होती है ना, ऐसा हो नहीं सकता कि वो हमसे खाना ना बनवाए। अरे खाने का मिलने का यार, शहर का सबसे मशहूर पकवान। केटरिंग का बिजनेस है हमारा। इवेंट मैनेजमेंट, किसी भी स्कूल का इवेंट हम लोग मैनेज कर लेते हैं। बीबीए ग्रेजुएट है भाई, टॉप डिविजन, टॉप यूनिवर्सिटी, हल्का नहीं लेना। अगर आपने कोई अपना इवेंट मैनेज करवाना हो तो आप हमसे करवा सकते हैं। लेकिन इवेंट्स तो सारा फ्रियाबाजी देखनी है। हाँ तो ठीक है, मैं उससे बात कर लेता हूँ। आप ये कार्ड रख लें हमारा। पुराना कार्ड है। आप एक काम करें, आप मुझे अपना नंबर दें, मैं आपको मैसेज करूंगा। लेट्स बी इन टच। हाँ सर, लिखो लिखो। माय नंबर 02132 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02 1 02
कह रहा था कि शहर का सबसे मशहूर केटरिंग बिजनेस इन्हीं का ही है और किसी फेमस यूनिवर्सिटी से बीबीए भी किया हुआ है। अच्छा, ऐसे लगते तो है बिजनेस माइंडेड। कैसे? एक खिला खिला के मोटा कर देते हैं, दूसरा जिम ले जाता है। बड़ी अजीब साइकिल है यार। काओ से पता नहीं क्या सोच रहे होंगे वो लोग। तूने बताने का दिया यार, और ऐसे क्या गलत है इसमें? है तो शहर की सबसे मशहूर पकवान। अबे भाई पकवान मत बोल, केटरिंग बिजनेस बोल, केटरिंग बिजनेस। आजकल लोग ये देगे वेगे नहीं मंगवाते भाई, अच्छी अरेंजमेंट होती है, स्टाइलिश खाने बनते हैं भाई। मैं तो ये सभी करूंगा। कर ले ना, अभी तो कोई बहाना चाहिए था मुलाकात का, मुझे जो समझ आया मैंने बोल दिया। थैंक यू भी बोल लिया कर कभी। सुन, कॉल करो।
बिस्मिल्लाह। हेलो, कौन? हेलो बिलाल, मैं फरहाद बात कर रहा हूँ। फरहाद? कौन फरहाद? अब फरहाद एक्सीडेंट वाला, अभी जिम में भी मुलाकात हुई थी हमारी। केटरिंग वाले, आपकी घर में कोई डिस्कशन हुई वो इवेंट से मुतल्लिक? हम कोई इवेंट अरेंज करवा सकते हैं आपका? हाँ, मैंने बात की थी, लेकिन वो सारा इंतजाम तो बाजी ने खुद ही करनी है ना। आप बर्तन धोने हो तो आ जाना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। रिया, आप वो पहले शख्स है जिसने मेरा नाम बिल्कुल ठीक लिया है। आपका नाम मैं कैसे गलत ले सकता हूँ? कैसे हैं आप? आपकी तबीयत कैसी है? मैं भी ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। मुझे बिल्लू बता रहा था कि आपका केटरिंग का बिजनेस है। जी, we are best in business. That's a big claim. आप बस आकर देख लें। कोई बड़ा इवेंट देने की जरूरत नहीं है, कोई छोटा मोटा इवेंट भी चलेगा, कोई टोलकी मायो टाइप, हम हाजिर हैं। वैसे तो मेरे पापा सब कुछ हैंडल कर चुके हैं, लेकिन कोई छोटा इवेंट मतलब ढोलकी टाइप ना, मैं चाह रही हूँ खास मेरी तरफ से हो, बट इट हैज टू बी वेरी स्पेशल। आपके लिए तो स्पेशल से कम कुछ हो भी नहीं सकता। हम मिलकर डिटेल डिस्कस कर लें। ठीक है, हम मिल लेते हैं। मैं आपको एड्रेस और लोकेशन भेज देती हूँ, मैसेज कर देती हूँ। ग्रेट, मिलते हैं फिर। बाय जी, अल्लाह हाफिज़। क्या बर्तन तुमसे धुलवाऊंगी? नंबर भेजो मुझे, मैसेज करो फॉरन। थैंक यू कौन भाई को, थैंक यू। भाई बहुत काम करने हैं, स्पेशल इवेंट करवाने हैं। चल, काम करने मुझे क्यों यार, जो जो कहां फंस जाता है तू। फरहाद, मुझे नहीं पता तुम्हें शाहजहान से बात करनी होगी यार। शाहजहान से? हाँ। क्या बात करनी है शाहजहान से? वो तब सेट है, वो बहुत नाराज हो गया यार। अच्छा, तुमने शायद नोटिस नहीं किया, मैं भी काफी अपसेट हूँ। फरहाद मेरे प्यारे भाई, मुझे लग रहा है तुम्हें अंदाजा नहीं है इस बात का कि नीचे तुम्हारी वजह से कयामत बर्पा हो गई है। अरे तो आनी भी चाहिए, मैं तो हैरान इस बात पे कि तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कैसे बर्दाश्त कर लेती तुम। मेरी बात सुनो, शाहजहान गाड़ी लेने नहीं वाला था, उसके पेरेंट्स कर देते हैं इस तरह की बातें। शाहजहान नहीं है ऐसा यार। अच्छा, अगर शाहजहान ऐसा नहीं है तो मुझे एक बात बताओ, अभी तक शादी की तारीख क्यों नहीं फिक्स की उसने? वेरी नाइस क्वेश्चन। बात कर ली थी उसने अपने पेरेंट्स से, सब तय कर लिया था, उनको समझा दिया था कि वो आखिरी बात है जो वो करने वाले, उसने ये भी सोच लिया था कि कैसे टालना है इस बात को, मगर आई एम प्राउड ऑफ यू मेरे भाई, माशाल्लाह से सब बिगाड़ दिया आपने। और तुमने उसकी सारी बातें मान ली? दो साल की मंगनी है, दो साल की, मजाक नहीं होती ये बात यार, मंगनी टूट भी सकती है किरण। इतनी औरफा हो जाओ यहां से, बदतमीज इंसान। तुमने कैसे कर लिया फैसला, मुझसे पूछा, सोचा इस बारे में? डिफरेंट समझते हो ना अपने आप को दूसरों से, बहुत मुख्तलिफ कर तो वही रहे हो जो बाकी सब करते, मेरी जिंदगी का फैसला कर रहे हो मुझसे पूछे बगैर। बच्चे हो फरहाद तुम, जस्ट ग्रो अप यार। बोल रहे हैं क्या जबरदस्त खाओ से बने? आज फिजा की बारी थी ना, आपके पसंद का खाना बनवाने की, मुझे पता था यही बनवाएगी, फेवरेट है इसका। बेटी मेरी रुखसत हो रही है और इसकी पसंद का बनवा लेते,
इस घर में सबकी बारी फरिया के बाद आती। ये क्या कह रही हो तुम? इस घर में सबकी अहमियत बराबर है। जी हाँ, वो तो मैं देख ही रही हूँ। ये शादी जारा की है और कपड़ों के कलर फरिया के पसंद। भाभी आप परेशान ना हो, वैसे भी मेरी और फ्रिया की चॉइस बिल्कुल सेम ही तो है, कपड़ों में भी और खाने में भी। मुझे जब इसकी याद आएगी ना तो मैं इसके घर चली जाऊंगी खाओ से खाने। हैं हैं हैं, ऐसे थोड़ी कोई शादी के बाद बेटियों के घर मुंह उठा के चले जाते। तो शादी हो गई अपने घर जा रही है, जेल थोड़ी जा रही है। मन्नो बेबी, जब शादी होगी तब पता चलेगा कि ससुराल किसी जेल से कम नहीं। अरे रमशा, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया जो तुम ससुराल को जेल कह रही हो और इन कुंवारी बच्चियों को डरा रही हो? तुम परेशान मत हो, हमारी जारा की जबान बहुत अच्छी, उसकी ससुराल उसके लिए जेल नहीं बनेगी। मेरा मतलब, हमारी जारा है ही इतनी प्यारी, सबको अपना बना लेगी। हीरा है मेरी जारा तो, हीरा। वरना आजकल की लड़कियों में तो बर्दाश्त ही खत्म हो गई है, तलाकें कितनी हो रही हैं। और सुना है वो है ना अपने वो नके भाई, सुना है उनकी बेटी तो घर ही बैठ गई है। अच्छा really? हाँ भाई, ये तो होना ही था, लड़ झगड़ के बिरादरी से बाहर शादी की थी तो जाहिर है। भाई हम तो अपनी बेटियों को सब बताते हैं, अब शग्गो की मिसाल ले लें। हाँ अब देख लो इसके साथ क्या होगा, बैठ गई घर आके क्या फायदा हुआ। भाई लड़कियों को ये बात समझ में आनी चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं समझती। अम्मी सच बहुत शर्मिंदगी की बात, आज भी जब भी बिरादरी में बात होती है तो मेरा सर शर्म से झुक जाता है। इशू प्रॉब्लम छे, देखो वक्त ऐसे बात क्या देगा। 15 साल हो गए इस बात को, अब तो इस टॉपिक को छोड़ देना, खामखा उनको नाराज कर दिया है। 15 साल हो गए कि 50 साल हो गए, उसकी गलती जो है ना हमेशा ताजा रहेगी और उससे मिलने वाला सबक भी। बिरादरी से बाहर शादी करनी नहीं चाहिए, ऐसा तो सोचना भी जरूर है। दिल है आपके सीने में, पप्पो। हाँ आप ठीक हो? हाँ ठीक हूँ, क्या होना मुझे? हाँ अम्मी और चाची को आपसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, अब तो आदत सी हो गई है सुनने की। ठीक है, अगर आदत हो गई होती ना तो ऐसे आंसू ना निकलते। लड़ गई मोहब्बत के नाम। पप्पो आपको थोड़ी पता था कि वो धोखा देगा, बड़ों की सुन लेती तो शायद बच जाती धोखा खाने से। कितनी बेइज्जती हुई उनकी मेरी वजह से, निकाह किया था मुझसे, जहेज लिया था हमसे और फिर अमेरिका भाग गया, गायब हो गया, चिट्ठी तो आई नहीं कभी शंभू के नाम, तलाक का कागज आ गया। अब गलती की है तो सजा भुगतनी पड़ेगी ना, वापस जुर्म नहीं है, झूठी हो सकती
धोखा दे सकती और उसे एक गलती की सजा सारी जिंदगी भुगतनी पड़ती। ये इश्क प्यार ये सब अलग बातें, जिंदगी गुजारने के लिए प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है, यही सीखा है मैंने उमर के साथ साथ। तो ठीक है, फिर आप भी प्रैक्टिकल होके सोचे ना, ये सब आपके कंट्रोल में था ही नहीं। शगु पोपो देखिए, जब तक खुद को माफ नहीं करेंगे दुनिया भी गुनाहगार समझे। ऐसी नहीं होता, ऐसी नहीं होता। चना दिन छोटा नहीं करें आप, उठे चले आए अंदर। आपको एक और बड़े गुनाह करने से बचा रही हूँ। क्या किया मैंने? अंदर खाऊ से छोड़कर आई हैं आप। इस गुनाह की माफी तो मैं भी नहीं दे सकती, आपको पहले ही बता रही हूँ। बहुत बड़ी पेटू हो तुम, सिर्फ खाने के बारे में सोचती हो। तो खाने के बारे में सोच रही हो ना, किसी का बुरा तो नहीं सोच रही? चलो चले उठे आप आ जाए। बहुत दंग तो मुझे पता है, चलो एकदम ताजा नहीं तीखी नहीं नहीं ना। किरण किरण PSL 9, live on A Sports.